हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सुप्रीम कॉम्पिटेटिव परीक्षा। मेरा नाम है हरीश और मैं आप सभी का इस वीडियो सेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग से पार्ट नंबर 5। इसके 4 पार्ट मैंने ऑलरेडी दिए हुए हैं, अगर आपने उन पार्ट्स को नहीं देखा है तो यहाँ पे मैंने उसकी लिंक दिए है, वहां पे जाके आप उनको अच्छे से पहले देख लीजिए, उसके बाद में इस पार्ट पे आपको जंप करना है। फाइन, जो कुछ चीजें मैंने वहां पे एक्सप्लेन की हुई है उसको आप अच्छे से पहले देख लीजिए, उसके बाद में इस पार्ट पे आपको आना है। तो चलिए आज का कोट हम लोग जान लेते हैं। देखिए, खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। द ग्रेटेस्ट सिन इज टू थिंक योर सेल्फ वीक। तो इसलिए आप जो है खुद को कभी भी कमजोर ना समझिए, राइट। यू आर द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड एवर, राइट। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखिए, इस टाइप से भी आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया कि अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आपको दिखाई दे तो आप कंफ्यूज ना हो, या ओके। तो इसलिए जो है इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिया है, इस वीडियो को बनाया है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। इसके पहले जो क्वेश्चंस थे वहां पे आपको ऐसे वर्ड्स दिए हुए रहते थे और उनके कोड यहाँ पे दिए हुए रहते थे, फाइन। इस क्वेश्चन में उन्होंने कॉलम ने दिया है, राइट। यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर कॉलम जो है उसमें जो है उन्होंने एक वर्ड दिया है हर लाइन में, और राइट कॉलम में उनका जो है कोड दिया है। तो यहाँ पे देखिए, एक वर्ड जो है कैपिटल में उन्होंने जो वर्ड दिया है वहां पे हर वर्ड का जो है यहाँ पे उन्होंने कोड दिया हुआ है, इसको आप थोड़ा ध्यान में रखिए। तो चलिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपको अगर मिलता है एग्जामिनेशन में तो सबसे पहले जो आपको रफ शीट्स वहां पे प्रोवाइड की जाएंगे, उस रफ शीट्स पे आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से उतार लेना है, फाइन। तो चलिए मैं यहाँ पे उसको लिख लेता हूं पहले। इस टाइप से आपको स्पेस थोड़ा सा बनाते हुए इन वर्ड्स को लिखना है। यहाँ पे एक चीज आपको नोट करनी है, देखिए यहाँ पे 59 आया है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन सेंस लगाना है कि देखिए यहाँ पे वर्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स है, तो इसके जो कोड है वो भी 6 होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6, मतलब ये 59 नहीं है, ये 5 और 9 अलग अलग है, फाइन। इसको आपको समझ लेना है। तो चलिए मैंने इनको लिख लिए हैं अच्छी तरीके से, अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहला कॉमन वर्ड हम निकाल लेते हैं एस। तो यहाँ पे मैं एस को स्क्वायर ब्रैकेट कर लेता हूं, और एस कहाँ पे है देखिए, एस यहाँ पे है, और एस कहाँ पे है, एस यहाँ पे है, मतलब तीन जगह पे हमको एस मिल गया, राइट। सिंबल में, मोस्टली में और बेस्ट में। तो इसके कोड को देखते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। देखिए, एक एक चीज यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे हमको टाइम लग रहा है। अगर आप इसको खुद से बनाने जाओगे तो ये 2 से 2.5 मिनट का काम है आपके लिए। तो एस का कोड यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देखिए, एस का कोड क्या है, फर्स्ट 4 और 6 लाइन में एस प्रेजेंट है। तो फर्स्ट 4 और 6 लाइन में देखिए कौन सा सिंबल प्रेजेंट है। देखिए, फर्स्ट में डॉलर है, फोर्थ में भी डॉलर है, सिक्स में डॉलर नहीं है, मतलब डॉलर गया। कॉपीराइट है, फर्स्ट में कॉपीराइट है, फोर्थ में कॉपीराइट है, और सिक्स में भी कॉपीराइट है। और कहीं भी कॉपीराइट दिख रहा है क्या, तो नहीं दिख रहा है, मतलब आपका एस का कोड कॉपीराइट ये कंफर्म हो गया, फाइन। चलिए नेक्स्ट वर्ड थे हम लोग वाई। नेक्स्ट सिंबल लेते हैं यहाँ पे वाई। तो वाई को मैं जो है एक सर्कल कर लेता हूं। चलिए, y को सर्कल किया मैंने, और y कहाँ पे है ये देखिए अच्छे से, इस यहाँ पे y है, और y आपका कहाँ पे निकल के आता है, तो दो जगह पे आपका y निकल के आता है, मतलब फर्स्ट और फोर्थ में आपका y है। तो देखिए, फर्स्ट और फोर्थ में आपका कौन सा सिंबल जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, फर्स्ट और फोर्थ में ही आपका वो प्रेजेंट चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 5 है, बट देखिए 5 दो जगह पे, बट सेकंड स्टेटमेंट में भी 5 है, इसलिए ये 5 आपको नहीं लेना है, फाइन। इस टाइप से 9 यहाँ पे है, बट देखो 9 यहाँ पे भी प्रेजेंट है, ये 2 इसमें ही प्रेजेंट चाहिए, बिकॉज हम लोग जो है फर्स्ट और फोर्थ को ऑपरेशन कर रहे हैं। 9 गया। हैश यहाँ पे है, हैश यहाँ पे नहीं है, मतलब वो भी नहीं चलेगा। देखिए
एट यहाँ पे है, आठ यहाँ पे है और आठ यहाँ पे है, मतलब जो है आपका वाई का पोर्ट जो है आठ बन गए यहाँ पे, राइट। चलिए इस टाइप से आपको पोर्ट बनाते हुए जाना है। एम तीसरा सिंबल हम लेते हैं एम। एम देखिए यहाँ पे है, एम यहाँ पर भी है, एम यहाँ पर भी है, राइट। तीन जगह पे हमको जो है एम एम और कहाँ पे है। और देखिए जैसे ही आपको फर्स्ट सेकंड और फोर्थ में एम मिल जाता है, आपको फिर से रिचेक करना है कि फर्स्ट सेकंड और फोर्थ में एम के अलावा दूसरा और कोई कॉमन है क्या। तो देखिए यहाँ पे ओ है और ओ है, बट देखिए ओ यहाँ पर भी है तो ओ नहीं आएगा फाइन स्लैश में। बी देखिए बी यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, बी यहाँ पे नहीं है, मतलब बी भी गया। उसके बाद में देखिए एल यहाँ पे है, एल यहाँ पे है, एल यहाँ पे है, बट एल ट्रायलॉग में भी है तो एल भी नहीं चलेगा। मतलब ये तीनों में फर्स्ट सेकंड और फोर्थ में सिर्फ आपका एम ही यहाँ पे कॉमन आता है। तो देखिए यहाँ पे कोड में आपका कॉमन क्या आता है, ये दो तो चले गए, पांच को देखते हैं, पांच यहाँ पे है, पांच यहाँ पे है और फोर्थ में भी पांच है। देखिए तो तीनों इसमें पांच प्रेजेंट है, राइट, फाइव, और कहीं पे भी पांच प्रेजेंट नहीं है तो आपका एम का कोड यहाँ पे बन जाते हैं फाइव 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 फाइव, मतलब एम का कोड आपका बन गया फाइव। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग बी। देखिए बी कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, बी को अलग सिंबल से मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। बी यहाँ पे बी हो गया, और बी कहाँ पे है, यहाँ पे भी बी है, फाइन। ये तीन जगह पे बी है, फर्स्ट सेकंड और लास्ट में जो है आपका बी प्रेजेंट है, फाइन। आपको यहाँ पे ढूंढना है कि फर्स्ट सेकंड और लास्ट में कौन सा कॉमन एलिमेंट यहाँ पे आपका निकल रहा है। नाइन देखिए फर्स्ट में है, सेकंड में है, लास्ट में नाइन नहीं है, मतलब गया। हैश देखिए, हैश यहाँ पे है, हैश सेकंड में भी है और हैश जो है सिक्स में भी है, और कहीं पे हैश प्रेजेंट नहीं है तो आपका बी का कोड यहाँ पे हैश बन जाता है। तो चलिए मैं यहाँ पे हैश को जो है सेम डायग्राम से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं ओ। ओ को देखिए, ओ कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, तो ओ यहाँ पे प्रेजेंट है, ओ यहाँ पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट सिंबल से आपको रिप्रेजेंट करते जाना है। ओ यहाँ पे प्रेजेंट है, ओ यहाँ पे भी प्रेजेंट है, मतलब फर्स्ट सेकंड फोर्थ और फिफ्थ में आपका ओ प्रेजेंट है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ और फिफ्थ में ओ प्रेजेंट है। आपको फिर से रिचेक करना है कि फर्स्ट सेकंड फोर्थ और फिफ्थ में ओ के अलावा और दूसरा कोई प्रेजेंट है क्या। तो देखिए यहाँ पे एल है, यहाँ पे एल है, यहाँ पे भी एल है, बट यहाँ पे भी एल है, फाइन। बट देखिए ये ठीक है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ और फिफ्थ में एल प्रेजेंट है, बट ये एल जो है आपका थर्ड इसमें भी प्रेजेंट है तो एल नहीं कॉमन आएगा, फाइन। ऑपरेशन जिसका चल रहा है उन्हीं में आपको कॉमन ढूंढना है, अगर वो कॉमन किसी और में है तो आप वो जो उसको नहीं ले सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट सेकंड फोर्थ और फिफ्थ में आपका कोड में हम लोग जो है इसके देख लेते हैं। तो देखिए कोड में क्या कॉमन है, नाइन यहाँ पे है, नाइन यहाँ पे है, नाइन यहाँ पे है, नाइन यहाँ पर भी है और जो है नाइन यहाँ पर भी है, और कहीं पे नाइन है क्या फर्स्ट सेकंड फोर्थ और फिफ्थ के अलावा तो कहीं और पे नहीं है, तो मतलब इसका कोड जो है आपका नाइन बन जाता है, फाइन। नाइन नाइन और यहाँ पे भी मैं नाइन को जो है ट्रायंगल दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट कोड को लेते हैं हम लोग। तो देखिए एल, एल को लीजिए यहाँ पे, एल को मान लीजिए किसी और सिंबल से मैंने रिप्रेजेंट किया डबल डैश से। एल यहाँ पर भी है, एल यहाँ पर भी है और एल यहाँ पर भी है, एल यहाँ पर भी है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ में जो है आपका एल प्रेजेंट है। तो देखिए इन पांचों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, तो यहाँ पे एक ही रह गया, फाइन आपका। तो फाइन जो आप कंफर्म हो जाइए यहाँ पे कि वही कॉमन एलिमेंट आपका कंफर्म होने वाला है। डॉलर डॉलर यहाँ पे भी डॉलर प्रेजेंट है, यहाँ पे भी डॉलर प्रेजेंट है और यहाँ पे भी डॉलर प्रेजेंट है, मतलब आपका एल का कोड डॉलर बन जाता है। चलो नेक्स्ट कौन सा सिंबल है वहां पे देख लीजिए अच्छे से। आर, आर को लेते हैं, बाकी ये तो हो गए, फाइन। आई और ई बाकी है, यहाँ पे ई बाकी है, ई को लेते, एक एक सिंबल आपको लेना है ऊपर से, फाइन। चलो मैं ई को ले लेता हूँ किसी और सिंबल से, इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। मान लीजिए क्रॉस से मैंने इस ई को रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे क्रॉस से ई को रिप्रेजेंट किया, और ई कहाँ पे, यहाँ पे है और ई यहाँ पे है। तो फर्स्ट, तो सेकंड, थर्ड, फिफ्थ और सिक्स्थ में आपका ई प्रेजेंट है,
और ई के अलावा और दूसरा कोई प्रेजेंट है क्या? तो यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे आए नहीं, मतलब एक ही प्रेजेंट है, फाइन। तो देखिए ई का कोड इस साइड में क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पे आप कंफर्म हो सकते हो कि ई ई दो बार मतलब यहाँ पे रिपीट हुआ है, तो दो बार कौन सा सिंबल यहाँ पे रिपीट हो गया है, तो वो है क्वेश्चन मार्क। तो इसको ही जो है ई का आपको कोड बना लेना है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे ई बन गया, यहाँ पे ई बन गया क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो है ई का सिंबल आपका आर यहाँ पर भी है, फाइन। और आर कहाँ पे दिख रहा है आपको, कहीं और आर है क्या, उसको सर्च कर लेना है, नहीं है, मतलब थर्ड और फोर्थ में आर कॉमन है। आपको फिर से रिचेक करना है कि थर्ड और फोर्थ में आर के अलावा और दूसरा कोई कॉमन है क्या। तो देखिए यहाँ पे ए दिख रहा है, यहाँ पे ए दिख रहा है, फाइन। ए कहीं और पे प्रेजेंट नहीं है आपका, मतलब ए भी जो है आर के साथ स्लैश में चला जाएगा, राइट। चलो आर स्लैश ए, तो उसके कोड की ओर हम लोग जो है देखते हैं। तो कोड देखिए कौन से उसके निकल के आते हैं, देखिए यहाँ पे तीन है, थर्ड और फिफ्थ का आपका ऑपरेशन चल रहा है, यहाँ पे तीन है और यहाँ पे फिर तीन है, राइट। और दूसरा कौन सा कॉमन है, सिक्स और सिक्स कॉमन है, तो तीन थ्री और सिक्स जो है इसके कोड आपके बना लेने हैं। चलिए नेक्स्ट सिंबल कौन सा है आपका, कोई छूट गया होगा तो देख लीजिए, यहाँ पे देखिए टी छूट गया है, राइट। तो टी को ले लेते हैं हम लोग, टी को किसी और सिंबल से मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, देखिए मैंने इसको जो है इसे एरो से रिप्रेजेंट किया है, राइट, स्लाइडिंग एरो से, टिल्ट एरो से इसको रिप्रेजेंट किया। और टी कहाँ पे है, और टी यहाँ पे है, और टी यहाँ पर भी है, राइट। तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स में जो कॉमन एलिमेंट कौन सा है आपको देखना है, देखिए थर्ड में एक ही बचा हुआ है तो इसको ही ले लेना है, राइट, टू 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 और टू, ठीक है। और कोई बचे हुए है क्या, यहाँ पे अच्छे से आप देख लीजिए, अगर होंगे तो उसको भी जो है आप कॉमन निकाल लीजिए। वी और जी बचे हुए हैं, वी और जी और कहीं पे दिख रहे क्या आपको, तो नहीं है, फाइन। तो ये और में चले जाएंगे, अल्फा और थीटा। चलिए ये बन गया हमारा जो है डायग्राम, फाइन। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन दिखाई दिया मुझे, इसलिए मैंने जो है यहाँ पे लिया है, फाइन आपके लिए। What is the code for y? Y का कोड यहाँ पे आपको पूछ रहा है, तो देखिए देख लीजिए फटाफट y कहाँ पे प्रेजेंट है आपका। तो y देखिए यहाँ पे प्रेजेंट है, y को सर्कल से रिप्रेजेंट किया है, तो सर्कल से कौन से जो कोड को रिप्रेजेंट किया मैंने, 8 को रिप्रेजेंट किया, तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड वाला 8, ओके। कोड फॉर y इज 8। What is the code for 5? 5 का कोड पूछ रहा है, वो उल्टा पूछ रहा है। तो 5 देखिए इसके कोड में लिखा है, इसको रिप्रेजेंट किया है हमने सिंगल डैश से, तो सिंगल डैश से किस जो है वर्ड को रिप्रेजेंट किया है, तो ये लेटर एम को किया है, तो इसका आंसर आपका आएगा एम, ऑप्शन नंबर 4। व्हाट कैन बी द कोड फॉर गियर, गियर का कोड आपको यहाँ पे वो पूछ रहा है, तो जी का कोड देखिए, जी कहाँ पे है, तो जी आप देख सकते हो कि फिफ्थ लाइन में जी प्रेजेंट है, वो एल, वो जी जो है वो वी के साथ जो है और में है, फाइन। वी को भी कोई सिंबल से रिप्रेजेंट नहीं किया हमने, और जी को भी कोई सिंबल से यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किया है, तो ये दोनों में से और में हो सकते हैं। तो देखिए इस कोड की तरफ अल्फा और थीटा जो है जी का कोड, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ये कंफर्म नहीं बता सकते हम लोग, तो यहाँ पे फिलहाल के लिए लिख लेते हैं अल्फा और थीटा स्लैश में। ई का कोड देखिए, ई कहाँ पे है, तो ई देखिए यहाँ पे आपको मिल रहा है, राइट, तो क्रॉस में है, तो क्रॉस में देखिए कौन सा यहाँ पे है, तो है क्रॉस में, यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क, तो ई का जो है कोड यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ए देखिए, ए कहाँ पे प्रेजेंट है, तो ए प्रेजेंट है, फाइन, फिफ्थ में ए प्रेजेंट है, तो ए के साथ देखिए थर्ड में भी प्रेजेंट है, ए के साथ देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे आर, आर भी प्रेजेंट है, मतलब ए को जो प्लस साइन से हमने रिप्रेजेंट किया, आर को भी सेम प्लस साइन में से हम लोग जो है इसको रिप्रेजेंट किया है, तो उसके कोड में देखिए प्लस साइन से कौन से जो है रिप्रेजेंट हुए हैं, तो आप देख रहे हो तीन और जो है छह, राइट, थ्री और सिक्स जो है प्लस से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, मतलब ए जो है थ्री और सिक्स से रिप्रेजेंट होंगे, फाइन। आर भी जो ए और आर दोनों भी है, तो ए और आर जो है तीन और छ, ये दोनों में से जो है होंगे, फाइन, कोई भी एक हो सकता है तीन और छ में से, अगर ए तीन हो गए तो आर छ होगा, अगर ए छ हुआ तो आर तीन होगा, इस टाइप से। तो चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, ये चारों भी प्रेजेंट होने चाहिए, मतलब एक दो तीन और ये चौथे में से कोई भी एक आपके ऑप्शन में जो है प्रेजेंट होना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन मार्क प्रेजेंट है, जी हाँ क्वेश्चन मार्क प्रेजेंट है, तीन प्रेजेंट है, यहाँ पे तीन भी प्रेजेंट है, छह भी प्रेजेंट है, छह भी प्रेजेंट है। देखिए अल्फा और थीटा इन दोनों में से कोई भी एक प्रेजेंट होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे अल्फा उन्होंने दिया हुआ है, राइट, तो आपका आंसर यहाँ पे बन जाता है
ऑप्शन नंबर बॉम्बे, बी का कोड यहां पे लिख लेते हैं हैश, ओ का कोड यहां पे लिख लेते हैं हम 9, एम का कोड यहां पे लिख लेते हैं हम लोग 5, बी का कोड है अगेन हैश, ए का कोड है, ए कहां पे है, ये प्लस में है, फाइन, तो प्लस में 3 और 6 है, तो ए का कोड ये दो में से कोई भी एक हो सकता है, और वाई का कोड देखिए यहां पे वाई है जो है 8, फाइन, ये उनके कोड हो गए। तो देखिए ऑप्शन में ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 भी होने चाहिए, ऑर्डर कैसा भी हो तो चलता है, फाइन। 9 प्रेजेंट है, 9 भी प्रेजेंट है, डबल हैश प्रेजेंट है, डबल हैश भी प्रेजेंट है, 5, 5 भी प्रेजेंट है, 3 और 6 में से कोई भी एक होना चाहिए, तो दोनों भी है, मतलब ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता है। फटाफट चेक करना है, 2 हैश है क्या, यहाँ पे 2 हैश नहीं है तो ये चला गया, 2 हैश है क्या, नहीं है, चला गया, 2 हैश नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, चला गया, मतलब आपका ऑप्शन नंबर 5 जो है आपको फटाक से मार्क करके आगे बढ़ना है, फाइन, ये तो होगा ही होगा। 5th क्वेश्चन, व्हाट इज द कोड डेड एज $@5 क्वेश्चन मार्क, ओके, इसका कोड वो पूछ रहा है, तो डॉलर देखिए, डॉलर किस वर्ड से जो कोड हुआ है, डॉलर कोड हुआ है एल से, तो यहाँ पे मैं एल लिख देता हूँ। एट द रेट किस इससे कोड हुआ है, तो देखिए @ छोटा हुआ आई, तो आई से कोड हुआ है ये। 5 किस से कोड हुआ है, तो ये कोड हुआ है एम से, तो यहाँ पे मैं एम लिख देता हूँ। और क्वेश्चन मार्क कैसे कोड हुआ है आपका, क्रॉस से कोड हुआ है, देखिए क्रॉस से कौन सा लेटर कोड हुआ है, तो ई हुआ है, तो यहाँ पे ई लाइम LIME ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इसको टिक करना है और आगे बढ़ना है, फाइन। तो ये था क्वेश्चन, थोड़ा अलग टाइप का मुझे दिखा, इसलिए इसके बारे में जो है मैंने आपको वीडियो दे दी है। अगर ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आए तो जो है आप उसको सॉल्व कर सकते हो, आपको जो है आपके 5 मार्क कौन से भी कंडीशन में जो है सिक्योर कर रहे हैं, ओके। अगर इस वीडियो को जो है 100 लाइक्स मुझे मिल गए तो इसकी PDF में जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, फाइन, आज का टारगेट।